रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के निराशाजनक विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन में सोफी डिवाइन की अतिशी पारी ने जान फूंक दी है। महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे ताबड़तोड़ पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन ने यही कारनामा भारतीय लीग में भी कर दिखाया है। 18 मार्च की रात को करो या मरो के मुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात जॉइंट्स के साथ हुआ, जहां सोफी डिवाइन की ओर से मात्र 33 गेंदों के भीतर 99 रन की करिश्माई पारी खेली गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका नाम छाया हुआ है और फैंस उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भले ही विमेंस प्रीमियर लीग का पहला सीजन कुछ खास नहीं गुजरा है, लेकिन सोफी डिवाइन की ओर से खेली गई 99 रन की पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 18 मार्च की रात को प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूती देने के इरादे से उतरी आरसीबी का सामना गुजरात जॉइंट्स से हुआ, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉइंट्स की ओर से 189 रन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आमतौर पर 20 ओवर के खेल में यह लक्ष्य काफी बड़ा साबित होता है, लेकिन डिवाइन की पारी के बूते बेंगलोर की टीम ने इस लक्ष्य को मात्र 15.3 ओवर के भीतर 8 विकेट के शेष रहते हासिल कर लिया। उनकी इस पारी में 9 चौके और 8 दन दनाते छक्के शामिल थे, जिसमें से एक सिक्स 94 मीटर का था। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने सोफी डिवाइन पर जमकर प्यार बरसाया। एक फैन ने कहा, सोफी डिवाइन शतक से भले ही चूक गई हो, लेकिन उनकी ये पारी सैकड़ों शतकों से बड़ी थी। एक और फैन ने कहा, सोफी डिवाइन चाहती तो बाबर आजम की तरह टुक टुक करके शतक कर सकती थी, लेकिन कोहली जी के मोटिवेशन की बात ही कुछ और है। एक और यूजर ने कहा, सोफी डिवाइन इस शतक को डिजर्व करती थी। आप सोफी डिवाइन की इस पारी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।